नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जी किचन। आज है 31 जुलाई 2018 और 31 जुलाई 2018 से करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और मैं आपसे इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने कल के वीडियो के लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा था कि राज्य के किस जिले में सरकार द्वारा सबसे ज्यादा पशु मेले आयोजित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी, नागौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह है आज का पहला प्रश्न। किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC का अंतिम मसौदा जारी कर दिया गया है? इसका ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है पंजाब। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी, असम। दोस्तों, असम सरकार द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का दूसरा एवं अंतिम मसौदा जारी कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न बनता है कि इसे क्यों जारी किया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यह इसलिए जारी किया गया है कि ताकि असम में अवैध तौर पर रह रहे लोगों का पता लगाया जा सके। दोस्तों, मैं आपको NRC की फुल फॉर्म बता देता हूँ। NRC की फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। दोबारा बोल रहा हूँ, लिख लीजिए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। फ्रेंड्स, NRC क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। NRC असम के नागरिकों की नागरिकता सूची है। इसमें उन सभी भारतीय नागरिकों के नाम, पते और फोटोग्राफ है जो 25 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रूस ओपन का खिताब जीता है? इसका ए ऑप्शन है चेतन आनंद, बी पुलेला गोपीचंद, सी सौरभ वर्मा और डी रोहन। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है सी, सौरभ वर्मा। फ्रेंड्स, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सौरभ वर्मा ने 29 जुलाई 2018 को रूस ओपन का खिताब अपने नाम किया है। आप फोटो में देख सकते हैं, ये सौरभ वर्मा है। इन्होंने भारतीय बैडमिंटन में इतिहास रच दिया है और वह रूस ओपन खिताब को जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मिशन सत्यनिष्ठा लॉन्च किया है? इसका ए ऑप्शन है रेलवे मंत्रालय, बी ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय, सी ऑप्शन है गृह मंत्रालय और डी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ए, रेलवे मंत्रालय। फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में 27 जुलाई 2018 को जन प्रशासन में नैतिकता के लिए मिशन सत्यनिष्ठा लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अधिकारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, किस देश की महिलाओं की कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने टीम श्रेणी में विश्व नंबर एक का स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया है? इसका ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन श्रीलंका, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है चीन। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ए, भारत। फ्रेंड्स, भारत की महिलाओं की कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने टीम श्रेणी में विश्व नंबर एक का स्थान प्राप्त करें इतिहास रच दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का 500 प्रश्न है, पहला नेपाल भारत थिंक टैंक शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? इसका ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन काठमांडू और डी ऑप्शन है गुजरात। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है सी, काठमांडू। फ्रेंड्स, पहला नेपाल भारत थिंक टैंक शिखर सम्मेलन काठमांडू में 31 जुलाई को शुरू होगा और इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच वृहद सहयोग कायम करना और जानकारी साझा करना है। फ्रेंड्स, अब इस प्रश्न में बात आई नेपाल की, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ के प्रधानमंत्री है KP शर्मा ओली और यहाँ के राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का छठा प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार है सरकारी कर्मचारियों के माता पिता की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए परिणाम योजना लागू करेगी? इसका ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है बी, असम। फ्रेंड्स, असम सरकार ने देश में पहली बार एक अद्भुत योजना परिणाम योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। असम सरकार इस योजना को 2 अक्टूबर 2018 से कर देगी। फ्रेंड्स, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों द्वारा अपने आश्रित माता पिता और उनके दिव्यांग भाई बहनों की देखभाल सुनिश्चित करना है और असम सरकार इसे 2 अक्टूबर से लागू कर देगी। अब इस प्रश्न में बात आई है असम की, उसके बारे में चर्चा करते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है, यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है और यहाँ के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी है। फ्रेंड्स, असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू सेखुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
आज का सातवां प्रश्न है, किस भारतीय क्षेत्रीय फिल्म ने तीसरे लव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यूएसए में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? इसका ए ऑप्शन है गांव रॉकस्टार, बी ऑप्शन है जियोगोत वेमालिते, सी ऑप्शन है मेहनती और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है बी जोई होगोते देमालिते। फ्रेंड्स हाल ही में तीसरे लव अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव लॉस एंजेलस अमेरिका में संपन्न हुआ है और इस उत्सव के दौरान 36 देशों से 156 से भी ज्यादा फिल्मों को दर्शाया गया है। इस उत्सव में भारत की ओर से असमिया फिल्म जोई होगोते देमालिते ने बेस्ट फिल्म पुरस्कार जीता है। जहियो बोते देमालिते का अर्थ है सतरंगी खेत। अब इस प्रश्न में बात आई यूएसए की, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ के उपराष्ट्रपति है माइक पेंस और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और यहाँ का सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क है और यहाँ की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का आठवां प्रश्न है, 1 अगस्त 2018 को कौन सा देश है 1,000 क्रिकेट टेस्ट मैच खेलने वाला पहला देश बन जाएगा? इसका ए ऑप्शन है भारत, बी वेस्ट इंडीज, सी ऑस्ट्रेलिया और डी इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है डी इंग्लैंड। दोस्तों 1 अगस्त 2018 को इंग्लैंड 1,000 टेस्ट क्रिकेट मैच खेलने वाला पहला देश बन जाएगा और इंग्लैंड यह मैच भारत के खिलाफ खेलेगा। इंग्लैंड ने अपना पहला टेस्ट मैच 1877 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था और इंग्लैंड को 1,000 टेस्ट मैच खेलने के लिए 141 साल लगे हैं। दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं इंग्लैंड ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं 999, जिसमें उन्होंने 357 मैचों में जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया ने 812 टेस्ट मैच खेले हैं, वेस्ट इंडीज ने 535 और भारत ने 522 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उसने 145 में जीत दर्ज की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का नौवां प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा ओलंपिक में मेडल जीतने और खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए दीर्घकालीन मिशन प्रोजेक्ट गांडीव लॉन्च किया गया है? इसका ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है सी आंध्र प्रदेश। दोस्तों इस मिशन प्रोजेक्ट गांडीव का उद्देश्य क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका उद्देश्य है कि आंध्र प्रदेश को एथलेटिक्स में 2021 तक देश में नंबर 1 बनाना है। इस प्रश्न में बात आई आंध्र प्रदेश की, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है श्रीनिवासन लक्ष्मी नरसिंह, यहाँ के मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू और यहाँ की राजधानी हैदराबाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का 10वां प्रश्न है, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2018 में कितने भारतीय छात्रों ने गोल्ड मेडल जीते हैं? इसका ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन 5 और डी ऑप्शन है 6। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है सी 5। दोस्तों इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2018 में 5 भारतीय छात्रों ने गोल्ड मेडल जीत। भारत की तरफ से फिजिक्स ओलंपियाड में यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पुर्तगाल के लिस्बन में इस वर्ष आयोजित 59वीं इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में किन किन छात्रों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। ये विजेता प्रतिभागी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, भास्कर गुप्ता मुंबई से, लेजेन कोटा से और निशांत अभागी राजकोट से, पवन गोयल जयपुर से और सिद्धार्थ तिवारी कोलकाता से हैं जिन्होंने 500 में गोल्ड मेडल जीते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स ये आपके लिए आज का सवाल, विश्व में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? इसका ए ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें तथा सामने के बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।